कोई चीज है तो मेरा प्रभु है, और विशाल से विशाल कोई है तो मेरा कन्हैया ही है। हाथी के गले में बजे घंटे की आवाज भी मेरा गोविंद सुनता है, तो चींटी के पेड़ में बजे घुंघरू की आवाज भी वो सुन लेता है। तब प्रभु ने अकाशों का उद्धार किया, सखाओं के संग बैठे बैठे भोजन कर रहे थे। कोई कहता कन्हैया मेरे घर का ये देख प्रसाद कितना अच्छा है, कोई कहता मेरे घर की खीर चट कितनी अच्छी है, कोई कहता देख मेरे घर से मैंने आज मैं दाल भात बना के लाया, कोई कहता कड़ी भात लेकर के आया हूँ, कोई कहता देखो कन्हैया मेरे घर से ये मिठाई लेके आया हूँ, कोई कहता मेरे घर का अचार कितना स्वाद है। ऐसे प्रभु को खिला रहे हैं, उन्हीं झूठे हाथों से आप खा रहे हैं। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवे त्रेजकक्षे वामे पाणौ मृषर कवलं तत्फलान्यभूलिषु। आपस में ऐसे अंगुलियां चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी दृश्य देख रहे थे, ब्रह्मा जी ने सोचा अरे ये कैसा भगवान है, दो बालकों के भोजन खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। ध्यान से सुनने की बात, ब्रह्मा जैसा जानकार विधाता भी लीला को देखकर ये कहता है कि ये भगवान नहीं है, तो हम लोग कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको छूट है, इसका मतलब ये है कि मोह ब्रह्मा जी को भी हो सकता है तो हम कोई बड़ी चीज नहीं है। भगवान की लीला ही कुछ ऐसी विचित्र है। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान नहीं है, फिर सोचा परीक्षा लूं, तो नीचे भूमि पर आकर के जितने भी बछड़े चल रहे थे सबका हरण कर लिया, चुरा लिया, अपहरण करके अपने साथ में ले गए। पीछे से गोविंद के सखा जब ढूंढने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने मौका देखा और ग्वाल बालों को भी चुरा कर साथ में ले गए। कन्हैया एक बार तो सब जगह ढूंढते गए लेकिन कहीं नहीं मिले। प्रभु ने आंख बंद करके ध्यान लगाया तो बोले ये चाल तो सब विधाता ने करी है, ये सब चाल तो ब्रह्मा की है। आपने मालवाड़ी में कहवा नहीं कोई बात, बोले मेरे सगे चाल तो करी अपने पतो को नहीं, मैं पिताजी हूँ बाप ही हूँ। जो ही भगवान ने कहा विधाता को पता नहीं कि मैं उसका भी पिता हूँ। एक मिनट में गोविंद ने क्या लीला करी, बोले यावद वत् सतवत् सकल्पगवत् यावद् गलाङ्ग्याभिगम् यावद् अस्ति विसाङ्गमेरुदरसिविलामद विभूषाम्बरम् यावद् शीलगुणाविलाकृतिभयोयावद् विहाराधिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरौरभगज सर्वस्वरूपम्। जितने ग्वाल बाल बछड़े चुराए थे भगवान ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए, जैसा जिसका स्वभाव, जैसा जिसका सील, जैसा जिसका आचरण, जैसे जिसके वस्त्र, जैसी जिसकी भाषा, सब कुछ सर्वं विष्णुमयम्, सब कुछ कृष्ण ही बन गए, पता ही नहीं चला। एक वर्ष तक लीला चल गई। इसमें दो बातें हैं, गोविंद बछड़ा इसलिए बने, गौ माता सोचती कि यशोदा मैया भाग्यवती है उसके घर गोविंद स्तनपान करते हैं, मैया का लीला करते हैं। तब कन्हैया ने क्या किया, गाय माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आज बछड़े बन गए और एक वर्ष तक गौ मैया का स्तनपान करते रहे बछड़े बन करके। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि रो रहा होगा बेचारा, वापस वृंदावन में देखा तो कोई फर्क नहीं है, वहां पर वही ग्वाल बाल वही बछड़े, अपने पास देखा तो वहां पर भी, नीचे देखा तो वहां पर भी। ब्रह्मा जी ने सोचा शायद ऊपर से देख रहा हूँ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। मृत्यु लोक में आए तो मेरे कन्हैया ने क्या किया, पीछे से ब्रह्मा का वेश बनाया चले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जाकर के ग्वाल बालों से कह दिया तुम यही खड़े रहना, आजकल नकली बहु रुपया बहुत डोलते हैं, कोई ब्रह्मा बन के आवे तो धक्के मार के भगा देना। बोले ठीक है। कन्हैया जाकर सिंहासन पर बैठ गई। इधर ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते ब्रह्मलोक में गए, प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने कहा कहाँ जाते हो, अजी मैं ब्रह्मा हूँ, ऐसे ब्रह्म बहुत डोलते, निकलो यहाँ से, अरे मैं ब्रह्मा हूँ तुम्हारा मालिक, एक ब्रह्मांड का तो एक ही मालिक होता, तुम कहाँ से आ गए, अरे भैया तुमने पान खा रखी है क्या, मैं ब्रह्मा हूँ। बोले ऐसे ब्रह्म बहुत डोलते, हमारे मालिक तो अंदर बैठे, तुम दूसरे ब्रह्म कहाँ से आ गए। ब्रह्मा जी ने सोचा अच्छे ग्वाल बाल को छेड़ चुरा लिया, गड़बड़ हो गया, आंख बंद करके देखा तो अंदर तो टेढ़ी टांग वाला बैठा है, बोलो जय श्री कृष्ण, और अंगूठा दिखा करके ब्रह्मा जी को कह रहा है क्यों ब्रह्मा जी आपने बछड़े चुराए तो मैंने गद्दी चुराई है। अच्छा इसका एक परिणाम यह भी है, ग्वाल बालों का बछड़ों का हरण किया था ना ब्रह्मा जी, इसलिए हरण करते हैं उनको गद्दी गंवानी पड़ती है, उनको गद्दी गंवानी पड़ती है।
ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति गाई सुंदर, प्रभु वहां से अंतर्धान हो गए। पुनः ब्रह्मा जी महाराज आए और चरण पकड़ करके 40 श्लोकों में बहुत सुंदर महिमा गाई है भगवान की ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा विधाता है। पर ब्रह्मा जी कहते प्रभु आप नंद जी के घर जन्म लेकर के इन गाय गोप बालकों के और बीच में ऐसी ऐसी लीला करते हो तो इससे आश्चर्य हो ही जाता है कि आप कोई साधारण वाले हैं, पशुपालन के जा रहे हैं, पशुपालन करने वाले जैसे लग रहे हो आप। तो मैंने सोचा कि ये तो भगवान नहीं है, इसलिए मैंने आपकी परीक्षा करी, मुझे माफ करी। अब देखो ये ब्रह्मा जी के यहाँ तो कोई एक आरक्षण बीता होगा, आज असली ग्वाल बाल बछड़े ला करके दिए, वो घर गए और घर जाकर के यशोदा माँ से बोले मैया आज तेरे कन्हैया ने अघासुर को मार दिया। तो मैया ने फिर झाड़ा दिया, बोले हे भगवान कोई न कोई राक्षस को मार देता है। कन्हैया बोले लो कर लो बाप मारा था, साल भर पहले झाड़े आज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि असली ग्वाल बाल तो आज ही आए, अघासुर को मारते ही तो ब्रह्मा जी ने उनका हरण कर लिया था, इसलिए वो तो आज बता रहे हैं वो बात। ये कालांतर क्यों हुआ, इतना समय में फर्क क्यों हुआ? तो सुखदेव जी बताते हैं राजन ब्रह्मा जी में और हमारे समय में बहुत फर्क है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है पता है? अभी जो युग चल रहा है इस युग का क्या नाम है? कलयुग। कलयुग की उम्र कितनी है? 432,000 वर्ष का कलयुग है, 432,000 वर्ष का है। हम लोग कहते ना कलयुग आ गया महाराज, कलयुग आ गया, अभी तो 5,200 वर्ष हुए हैं। 5,200 वर्ष में ये स्थिति है तो 432,000 कब आए? 432,000 वर्ष का कलयुग है, 864,000 वर्ष का द्वापर है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। ये चारों युग जब एक बार बीतते हैं तो इसको एक चतुर्युगी बोलते हैं, चतुर्युगी। अब तक सृष्टि बनने के बाद में आज से पहले ये चारों युग 27 बार बीत चुके हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग दो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तीन, इस तरह चारों युग 27 बार बीत चुके हैं, ये 2800 कलयुग चल रहा है। अष्टम विंशति तमे कलयुग के 2800 कलयुग चल रहा है। ऐसे ऐसे 71 बार जब चारों युग बीतेंगे तो एक मनमंत्र पूरा होगा, एक मनु का राज पूरा होगा, और जिस दिन 14 मनमंत्र बदलेंगे उस दिन ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना बड़ा दिन है ब्रह्मा जी का। अब मृत्यु लोक में तो एक आरक्षण बीता ब्रह्मा जी के, वहां यहां तो 12 महीना बीत गई, इसलिए कालांतर में हुआ। बाद में धीरे धीरे कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई जिसको हम लोग गोपाष्टमी बोलते हैं, और गोविंद का उस दिन अभिषेक हुआ और प्रभु ने उसी दिन से गाय चारण प्रारंभ किया। गोपालन गोविंद गाय चराने के लिए जाते, वहां तालवन में धेनुकासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया और उसी दिन से मेरे गोविंद गोपाल बन गए। बोले गोपाल भगवान की जय। जय धरती माँ, जय गौ माता, अरे गूंज रहा है मंत्र माता, सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्रा हो कल्याण, सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्रा हो कल्याण। जय धरती I'm
जी से निकाला ये कथा भी बहुत विस्तृत है, समय अभाव में हमें बहुत कथा कहनी। इसलिए काली नाग का सिर्फ आप इतना समझिए, यमुना है भक्ति, काली नाग है पाखंड। और जब तक भक्ति रूपी यमुना से काली नाग रूपी पाखंड बाहर नहीं निकलेगा, तब तक भक्ति रूपी यमुना शुद्ध होने वाली नहीं है। इसलिए काली नाग रूपी पाखंड को भक्ति रूपी यमुना से बाहर निकाला। बाद में लेकर ऋषि व्रत करते थे, नंद बाबा वरुण के दूत उनको ले गए, प्रभु वहां जाकर के उनको छुड़ा करके लाते हैं। वरुण दूत में भगवान की स्तुति होती है, तत्पश्चात भगवान की बहुत सुंदर लीला है। ब्रजमंडल में आग लगती है, दो बार आग लगी ब्रजमंडल में, प्रभु ने बचाया। एक बार आंख बंद करा करके ब्रजवासियों की दावाग्नि का पान कर गए, दूसरी बार प्रत्यक्ष पी गए। इसका मतलब भगवान जीव की रक्षा प्रत्यक्ष में भी करते हैं और परोक्ष में भी करते हैं, हर समय जीव को प्रभु बचाते हैं। बाद में वेणु की इतनी कथा आती है, गोपियां घर बैठे बैठे जिस तरह लीला के माध्यम से प्रभु का चिंतन करती है। मरहा पीरम नटवर बबहु हरणयो करलिका विप्रदवास कनक कपिशम वेदयन्तीं च मां किरन्नान् वेणुर्नदसुरया भूवेल्घाटलिङ्गै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः। वृन्दारण्य की भूमि में गोविंदसुर मोर के पंख का मुकुट लगा है, वेदंती माला है, हाथ में मुरलियां, आसपास ग्वाल बाल सखा केसर के सहित ब्रज की भूमि में गोचारण करते विचरण कर रहे। आगे गाय है, पीछे गाय है, और प्रभु के चहुतरफ गायें हैं। गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल गोविंद के मुखारविंद पर लगती है, ऐसा सौंदर्य प्रभु का चमकता है मानो देवताओं ने प्रभु के मुख पर मोती चिपका दिए हो। गाय के चरण जिसको हम लोग गोधूली बोलते हैं, गाय के चरण की धूल इतनी प्रभु के चार महाराज मुखमंडल पर लगी हुई है। इसी झांकी का को जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने मद्रास्त्र बनाया है, अधरम मधुरम मधुरम मधुरम, इसी झांकी को देख करके बनाए। गोविंद जब गाय चराते थे, मधुराधिपते रखेलम मधुरम, मधुराधिपति का सर्वस्व मधुर ही मधुर है महाराज, क्योंकि प्रभु हर परिस्थिति में सुंदर है। वो क्या है कि सूरदास जी महाराज बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे, तो जिस तरह का श्रृंगार पुजारी जी करते वैसा ही सूरदास जी अपने तानपुरा लेकर के जब गाते तो उसमें बता देते। सबको आश्चर्य हुआ कि सूरदास जी तो अंधे हैं, जिन्हें पता कैसे चलता है कि लाला ने आज कौन से कलर की पोशाक पहनी है, कैसे पता चलता है। तो एक दिन विनोद किया उन्होंने, क्या किया, बालकृष्ण लाल को नहला धुला करके और एक छोटी सी मणियों की माला पहना के मंगाई खड़ा कर दी। बहुत मजे से बोले, आज बताओ कैसी थी पोशाक पहनी है बिहारी जी। सूरदास जी महाराज बोले, बस आज तो मत पूछो। बोले नहीं, बताओ लाल पीला हरा गुलाबी बैंगनी कैसा कलर है कन्हैया की पोशाक का। सूरदास जी बोले, तो मुंह पर कलर दुपट्टा लगाया और फिर तानपुरा उठा करके सूरदास जी ने कहा कि आज हर देखे नंग मनंगा, आज हर देखे नंग आपने मणियों की जो माला पहनाई है ना, उससे छवि में तरंग उठ रही है। सुंदर है किम न सुंदरम, अरे सुंदर का क्या सुंदर नहीं होता, प्रभु तो प्रभु का सर्वस्व मधुर है। ऐसी ही झांकी का वर्णन मधुराष्टकम के माध्यम से किया है। फिर कात्यायनी माता का गोपियां पूजन करती थी, चील हरण की कथा कही। गोपियां रोज रोज यमुना जी में स्नान करती और ब्रह्म मुहूर्त में कात्यायनी माता की मूर्ति बना करके उसका पूजन करती और मांगती क्या, बोले कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति गुरु के नमः। कात्यायनी मैया, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हो। एक दिन कन्हैया नस्ते में मिल गए, बोले गोपियों आप सब चार बजे स्नान करती हो यमुना में, मुझे पता है। आप कात्यायनी जी का पूजन करती हो ये भी मैं जानता हूँ, और पूजन करने के बाद मुझे पति रूप में मांगती हो ये भी मुझे विदित है, पर तुम्हारे स्नान करने की जो पद्धति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं न नग्न स्नान, आप कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात,
अनजान जलाशय में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, भोजन के ठीक तुरंत बाद कभी स्नान नहीं करना चाहिए। चौथी बात, अर्ध रात्रि में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने कहा, ओ बड़ो आयो समझाने वाले बात, 4 बजे कौन आवे, हम तो ऐसे मांगे। कन्हैया ने कहा, ऐसे नहीं मानेंगे तो भैया फिर प्रैक्टिकल में बताना पड़ेगा, बोलो जैसे कृषि। दूसरे दिन सखाओं को लेकर के चले गए, ग्रुप ने स्नान कर रही थी, बस्तर लेके कदम के डाल के चले गए। एक ने कहा, स्नान ही करके और करती रहोगी कि पूजन भी करना है, किनारे पे देखा तो वस्त्र है नहीं। और ज्यादा इधर उधर घूम करके देखा तो वृक्ष पर वस्त्र टंगे, और गौर से देखा तो पीछे श्रीमान जी भी बैठे। अरे लाला हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा, देखो मैं तो जानूंगी ना वस्त्र काहे के कहे। बोले ये ले रखे ना आपने रंग बिरंगे। बोले ये तो मेरे कदम के ऊपर रंग बिरंगे फूल आए। अरे कन्हैया श्याम सुंदर ते दास्य करवा मत हो विकम देहि वंशांश धर्मज्ञ नोच राज्ञे भुवा महे। अच्छा गोपियों की 4 बात, कुछ ब्राह्मण स्वभाव की है, कुछ क्षत्रिय स्वभाव की है, कुछ वैश्य स्वभाव की है और कुछ शूद्र स्वभाव की गोपियां हैं। तो शुद्ध स्वभाव की गोपियां कहती, श्याम सुंदर ते दासी है, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी है, वस्त्र दे दो। और जो वैश्य स्वभाव की गोपियां हैं वो कहती है, करवान तवोदितम आप हमारे वस्त्र दे दो, और आप जैसा कहोगे वैसा हम कर देंगे, क्योंकि वैश्य लोग झगड़ा नहीं करते, राजीनामा करते। और ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां क्या कहती है, देहि वंशांश धर्मज्ञ आप धर्मात्मा, आपके बाबा धर्मात्मा हमारे वस्त्र दे दो, क्योंकि पंडित जी तो बेचारे भाई दे दो क्या दे दो। पर क्षत्रिय नवचित राज्य प्रभाव में हमारे वस्त्र दे दो, मेरी राजा से शिकायत कर देंगे। कन्हैया ने कहा, कहां करो, यहाँ के राजा तो मेरे बाबा है। बोले नहीं, मथुरा मामा से कंस से। कन्हैया ने कहा, अच्छा कंस से शिकायत कर रही हो, पहले जानती हो हम कौन है। बोले आप बताओ। बोले मैं वही हूँ रावण ने करी नाला की, मैं लंक जला दी बाकी। रावण ने करी नाला की, तू करे बड़ाई जाकी, अब दिक कंस रहा है बाकी। उनकी बड़ाई करा है कि कंसी तो बाकी रहा है। गोपियां प्रार्थना कर रही है, बोले आपके पाप का प्रायश्चित एक ही है, एक एक करके आप वस्त्र ले जाओ। गोपियां महाराज वहां खड़ी रही, लेकिन बात में ध्यान आया कि हम किससे बात कर रही है, क्योंकि जिससे हम बात कर रही है उसके सामने 1000 वस्त्र पहनो तो भी निर्वस्त्र हो, कुछ नहीं पहनो तो भी। अरे वस्त्र के रूप में भी तो वही वस्त्र लगा हुआ है, ब्रह्म से कहां तक छुपोगे। अरे लोक लाज होती है लौकिक पुरुषों से। गोपियां बाहर आई, अपने अपने वस्त्र ले गई, लेकिन लोग तो पूछते हैं कि कृष्ण ने ये क्यों किया, कृष्ण ने वो क्यों किया, चीर हरण क्यों किया। इसके पीछे कई तर्क दिए हैं संतों ने। भगवान ने चीर हरण किया उस समय, पता है भगवान की उम्र क्या थी, 6 वर्ष उम्र थी। 7 वर्ष में गोवर्धन लीला करी जिसके बाद भी, पर 6 वर्ष का बच्चा विषयी वासना के बारे में नहीं जानता, आज की इस पाश्चात्यकालीन सभ्यता में नहीं जानता, तो भला उस समय तो 15 वर्ष तक ऐसे डोलते थे। आज सैटेलाइट के माध्यम से पश्चिमी देशों की गंदगी मेरे राष्ट्र में भर दी, फिर भी पता नहीं है इसके कृष्ण की उम्र 6 वर्ष थी। ऐसा भगवान के चरित्र पर आक्षेप करना, प्रदूषण करना गलत है। दूसरी बात, रामायण में लिखा है, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता। तो कई लोग पूछते हैं, सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता, इसका मतलब सामर्थ्यवान कुछ भी करे, जो मर्जी आए वो करे। तो बोले चौपाई पर ध्यान दो, समर्थ कहूं किसको कहूं। बोले नहीं दोष गोसाई, जिसमें एक भी दोष ना हो वो समर्थ है। ऐसा संसार में कोई नहीं जिसमें एक भी दोष ना हो, केवल 4 रवि सूर्य नारायण में कोई दोष नहीं। अग्नि में कुछ भी जला आप फेंको, जला करके अपनी राख कर देगी, पर अग्नि कभी प्रदूषित नहीं होती। और पावक रवि पावक सुर शनि माने गंगा जी, गंगा जी में कुछ भी बहे लेकिन माँ गंगा हमेशा पवित्र रहती है। और ईश्वर कैसी भी लीला करे ईश्वर का पतन नहीं होता है, जीव का पतन, क्योंकि अच्युत का अर्थ ही यही है। अच्युत भगवान का नाम है ना, अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युत का मतलब है जो कभी पदच्युत ना हो, जो गिरे नहीं वो अच्युत है। इसलिए भगवान समर्थ है।
तीसरी बात एक सुंदर वर्थ ये है, कृष्ण कौन है, गोपी कौन है, कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव। जीव रूपी गोपी से मिलन कब होगा? आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, बीच में काला पर्दा पड़ा है, तुम्हें आप देख पाएंगे ना, मैं देख पाऊंगा। उसी प्रकार श्री कृष्ण और गोपी के बीच में, जीव और ईश्वर के मिलन के बीच में अज्ञान का काला पर्दा पड़ा हुआ है। हमारे हृदय में अज्ञान का पर्दा है, भगवान ने कोई लंगे फलिया नहीं चुराई। अज्ञान रूपी काले पर्दे को हटा करके जीव रूपी गोपी से ईश्वर ने मिलन ये तात्विक अर्थ है। और भी बड़े भाव है सुंदर महाराज, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सात वर्ष की अवस्था में लीला बहुत है, लेकिन केवल वंदन करते हैं, सीधे गोवर्धन लीला तक। सात वर्ष की अवस्था में प्रभु ने कही, वो क्या है, कार्तिक के महीना में हम लोग दीपावली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करते हैं। इस स्थान पर पहले इंद्र की पूजा होती थी, तो महाराज इंद्र की पूजा के लिए सब लोग भोग बना रहे थे, तैयारी चल रही थी। कन्हैया मैया के पास में गई, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, हमको भी कुछ खाने को दो। मैया ने कहा, बेटा दूर दूर बाहर रहियो, क्योंकि जेजे के लिए भोग बन रहा है तो झूठा कर देगा। कन्हैया मन में सोचने लगे, सबसे बड़े जेजे तो हम हैं, हमसे बड़ा जेजे कौन आ गया। मैया से कहा, मैया कौन है जेजे? बोले बाहर बेटा बाहर। रसोई घर से बाहर कर दिया, गोविंद बाबा के पास में गए, तो नंद बाबा के पास जाकर बोले, बाबा मैया ने एक पकौड़ी भी मुझे नहीं खिलाई, ये जेजे कौन है पहले बताओ। तब नंद बाबा ने कहा, प्रजन्यो भगवान इंद्र मेघहस्तस्य आत्महृदय। हे बेटा, हमारे जेजे तो भगवान इंद्र है, क्योंकि इंद्र प्रसन्न होंगे तो बरसात होगी, बरसात होगी तो धरती हरी भरी, और धरती हरी भरी होगी तो गाय माता निर्भीक विचरण करेगी, हरा हरा घास खाएगी, और हम लोग किसान है ना बेटा, इसलिए किसानों का तो जीवन ही दृष्टि पर ही है। वर्षा बिन हो जा हानि, दिगे मुनि महात्मा ज्ञानी। बरसात पर ही बेटा सब कुछ हमारा। तो कृष्ण ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कही, बाबा मैंने एक बात सुनी है कि आदमी को, जीव को जो भी मिलता है उसके अपने कर्मों से, सुखम दुखम भयम क्षेमम, जो मिलता है वो कर्मों से मिलता है। जब कर्मों से मिलता है तो इंद्र की पूजा की क्या जरूरत है, मिलने वाला तो सब कर्मों से। कर्म ना जागते जंतु कर्म नहीं लीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैव अभिपद्यते। सुख दुख हानि लाभ ये सब जो मिलता है कर्मों से मिलता है, इसलिए इंद्र की पूजा की क्या जरूरत है। फर्क यही है, कर्म तो करते चलना है, पर कभी पथ का प्रज्ञा। हमारे भारत राष्ट्र के ऋषियों ने कभी भी जीव को अकर्मण्य बनने की सलाह नहीं दी, वो तो कहते कर्म करते रहो, कर्म करते फल देने वाला भगवान। गीता में भी गोविंद यही बात कहते हैं, कर्मण्य वेदिकास्ते मा फलेषु कदाचित, अर्जुन कर्म करता चल। जो लोग भाग्यवादी होते हैं ना, बोले भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, पक्की बात है। भाग्यवादी आदमी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता, भाग्य का भरोसा करने वाले कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। भाग्य क्या है, आज अच्छा कर्म करोगे तो कल सदभाग्य बनेगा, आज गलत काम करोगे तो कल दुर्भाग्य। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, और इतने आप भाग्यवादी हो तो फिर जाकर के दरवाजा बंद करके मकान का और चाबी लॉक करके बाहर फेंको खिड़की में से सो जाओ, बोले मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, मिल जाएगा। देख लेना, कोई लेकर आता भी होगा तो उसमें भगवान बाधक बनेंगे, बोले मूर्ख को मैंने मनुष्य शरीर दिया, हाथ दिया, पांव दिया, स्वतंत्रता दी, अरे सोचने समझने की शक्ति दी, विवेक दिया, फिर भी मेरे ऊपर भाग्य का भरोसा करके पड़ा, कर्म तो करता नहीं। इसलिए कर्म योगी बनो, जिंदगी में कभी भाग्यवादी मत बनो, कर्म करते चलना। जगत में रह करके भी इस तरह रहना है जैसे जल में कमल का फूल रहे। परम सत्य प्रेम भूषण जी महाराज एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं, मुझे स्मरण आया, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतने के
कैसे अदल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे काम भी लूटे ना इतने देवो हवा गुबारा लूटे ना एक बार क्रोध भी चलिए अब यहाँ नहीं जानते हैं रास्ता किस चीज़ से ऐसा
वैसे अपने लोग है ना इससे सब जानते छप्पन प्रकार की भोग सामग्री बनी और छत्तीसगढ़ के लोग गए शांडिल मुनि पूजा के लिए पूजन करवा रही है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनवा शांडिल मुनि मंत्रोच्चार कर रहे हैं। अभिषेक शुरू हुआ। अब गिरिराज जी यमुना जी को दूर पड़ती हैं। सुबह से लेकर शाम तक अभिषेक चला। गिरिराज जी का नख भी गीला नहीं हुआ। तब प्रभु ने वहां पर गंगा प्रकट कर दी जिसका नाम है मानसी गंगा। मानसी गंगा महारानी की अभिषेक कर रहे हैं ब्रजवासी लोग। और जब भोजन प्रसाद भगवान को लगाने लगे तो मधुमंगल बोले लाला तू कह रहा था ना गिरिराज जी प्रकट होंगे अब तक तो प्रकट नहीं होंगे। कन्हैया बोले आप विश्वास रखो पूजन करके परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी प्रकट हो जाएंगे। पूजन करके जो ही ब्रजवासी लोग आंख बंद करके परिक्रमा लगा रहे थे भगवान का गुणगान कर रहे थे सुदेव जी कहते मेरे गोविंद ने क्या किया चार भुजाएं धारण करी और जाकर के गिरिराज जी पर विराजमान। बोले गिरिराज धारण की लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ ब्रजवासियों भोग। सुदेव जी कहते परीक्षित देखो आप ही पूजे और आप ही पुजारे। बोलो जय श्री कृष्ण। मधुमंगल ने कहा लाला बुरा ना मानियो एक बात बोलू। बोले हाँ बोले तेरे गिरिराज जी को मोह तो तेरे जीसू ही ला गए। देखो बड़ा देखो मैं इसमें क्या करूं प्रकट तो हो गए। हाँ ना भैया मैंने तो इसलिए पूछी कि गिरिराज जी बहुत सुंदर है। अब प्रभु को भोग लगा रही है। आइए भाव श्रद्धा से हम लोग भी भोग लगाए। आओ 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 शांडिया भोगो जीवो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी
और इधर सीधे नारद जी के पास में पहुंच गए। बोले हजारों वर्षों से आपकी पूजा चल रही थी और नन्हे से उस कृष्ण ने आज बंद ने कहा अच्छा गोपाल की ये हिम्मत मेरी पूजा बंद करवा दी। वर्तक नाम है मेघा नाम चांदकारी सावर्तक नाम की मेघ मालाओं को बुला करके कहा जाओ पूरे ब्रज प्रदेश को बहा दो सबको डुबा दो। आपको महाराज इंद्र की आज्ञा पाते ही उमड़ घुमड़ करके सावर्तक नाम की मेघ मालाएं प्रदेश में आ गई। बड़ी जोर जोर से बारिश शुरू हो गई काले पीले बादलों से मूसलाधार बारिश हो रही है। देखो भैया तुम्हारे कहने से पूजा करी थी इंद्र महाराज ने सब गड़बड़ देखो देखो खीर में नमक डाल दिया अब क्या करेंगे भैया। भगवान बोले आपको अपने गिरिराज जी पर भरोसा नहीं है पूजा करिए आपको भरोसा नहीं है। बोले कन्हैया चारों तरफ जैसे कोई लगता है पलिंगकारी समुद्र में तूफान आ गया हो ऐसा लग रहा है। बोले आप विश्वास रखो गिरिराज जी पर स्तुति गाने करो। तब सब लोगों ने क्या किया अरे तू एक बार विश्राम करके तो देख
कन्हैया ने कहा तो फिर ठीक है, गोविंद ने अपनी अंगुली को थोड़ा सा नीचे किया, हमारा सब गिरना चक्कर कर 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 करके टूटने लगी। अरे भैया भैया सुनो सुनो सुनो, गोविंद ने फिर धारण कर लिया। अब तो मधुमंगल बोले लाला एक बात बतानी पड़ेगी, तेरे अंदर इतनी ताकत आई तो आई कहां से? कन्हैया बोले लो ये दूसरी समस्या। प्रभु ने विनोद किया, बोले मेरे अंदर ताकत कहां से आई बताऊं? बोले हां, बोले मैं भगवान। मधुमंगल बोले ओ मुंह धरे को आवे ना है भगवान बने, सखा लोग मानते नहीं। क्या काम किया ऐसा तूने भगवान? बोले मैंने पुतना मारी, अकासुर मारा, बकासुर मारा। श्री रामा ने कहा वो मारी तेने पुतना, उसमें नहीं मराई दस दस बार छा तो हमने लगाई मारी तेने पुतना। तेरे अंदर ताकत आई तो आई कहां से हमको बताना पड़ेगा? तो कभी ना कहने लगे देखो भाई कछु माखन को बल बजो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सु मैंने गिर भर दियो था। कछु तो माखन का बल बढ़ा, आप लोगों के घर से जो माखन चोरी कर करके खाया था ना मैंने, उससे बल बढ़ेगा। और कुछ गोपन करी सहाय, गोप लोगों ने सहायता करी। मधुमंगल बोले हमने कहा सहायता करी? बोले आप तीन दिन से मुझे देख रहे हो ना? बोले हाँ। तो आपके अंदर की आधी शक्ति मेरे अंदर है? मधुमंगल बोले हाँ, तभी तो मैं सोचूं मुझे चक्कर क्यों आ रहे हो? क्यों ने नंद की चोरा, इतने दिन तो हो माखन चुराता और आज से शक्ति चुराने की शुरू। श्री राधे झूठी कृपा से मैंने गिरवर लिया हो सका है, विनोद तो चलता रहता है। सब लोग बड़े आनंदित हैं और सात दिन के बाद भी सब अपने अपने परिवारजन सहित उसके नीचे विराजमान है गिरिराज जी के। इंद्र ने देखा सब बह गया होगा, लेकिन दृष्टि डाली तो क्या देखा? ब्रज में तो धूल उड़ रही है महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रज में तो धूल उड़ रही है, इंद्र ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तब पता चला कि श्री कृष्ण को प्रभु के चरणों में वंदन किया और कहा प्रभु मेरी जो एक इच्छा है अब तो मैं वैकुंठ को तर करके, ईश्वर को तर करके आपके चरणारविंद में यही ब्रज में मेरी तो लग रही आस करूं ब्रजवासी तरह की गोवर्धन की आशा करूं नहीं वैकुंठ भवन की काशी राम शरण प्रभु के गिरिराज धरन की मेरी तो लग रही आस करूं ब्रजवास तरह की गोवर्धन की। एक ही आशा है, इसी बात को तो रसखान जी ने लिखा है, मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल धाम की ग्वाल में, जो पशु हो तो कहां बस मेरे चलो मित्र नंद के धेनु हो जाए। हे प्रभु मनुष्य बनाओ तो ब्रज प्रदेश में बनाना, पशु भी बनो तो नंद जी की गायों में बनो, मैं कोई पत्थर भी बनो तो गिरिराज गोवर्धन का पत्थर, लता पता पुष्पी भी बनो तो ब्रज में बनो। इंद्र ने स्तुति गाई, अपने लोग को चले गए। इधर परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, बोले गुरु जी सात दिन तक जो मूसलाधार बारिश बरसी इतना वो सब जल कहां गया? बोले शेषनाग जी पूरे गोवर्धन पर ऐसे कुंडली मार करके बैठे थे, एक साइड में पानी उतर रहा था, अगस्त जी आगे तैयार थे और जितना भी पानी बरस रहा है वो सारा अगस्त जी पी गए। महाराज ऐसे कैसे हुआ? बोले वो बात तो त्रेता की है, राम जी लंका जीत करके जब घर आए तो जानकी जी के मन में इच्छा हुई बोले कोई ब्राह्मण भोजन कराऊं, तो राम जी लेकर के आते पंडित जी को, माता जानकी भोजन करवाती। अच्छा भोजन जो है ना, भोजन कराने वाला भी जब ठाट से भोजन कराया था उसको आनंद आता है। सीता जी ने कहा महाराज ये कहां से लेकर के आते हो? सब डायबिटीज पेशेंट डेड भर का रूखा खाते हैं, अच्छे से पंडित जी लाओ ताकि भोजन में आनंद आए। राम जी ने कहा ठीक है। आज अगस्त जी के पास में गए, बोले गुरु जी आपको चलना है घर पे भोजन करना है और जब तक मैं इशारा नहीं कर दूं तब तक खड़े नहीं होना। अगस्त जी आए, जानकी मैया ने पाटा लगाया, आसन लगाया, सुंदर सुंदर पकवान की थाली में सजा करके लाई। अगस्त जी बोले इससे काम नहीं चलेगा, रसोई घर से ही डायरेक्ट कनेक्शन कर दो, ये कटोरियां वटोरियां रहने दो। अब तो जानकी जी लावे, अगस्त जी पावे, भोजन करते करते दोपहर
हो गया। जानकी जी ने सोचा आज पुण्य जी ठीक है, शाम का समय हो गया, 10 बार आटा पुण्य दूसरी बार लगवा दिया। अगस्त जी के पास आवे महाराज, दूसरे दिन का सूर्योदय हो गया पर भोजन तो नॉन स्टॉप चल रहा है। सीता जी पास में आकर के बोली, गुरु जी प्रणाम करती हूँ। बोले अभी समय नहीं है, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा क्योंकि भोजन कर रहा हूँ। नहीं नहीं वो मैं तो ऐसे पूछ रही थी। बोले देखो पूछो मत, बिल्कुल जल्दी करो क्योंकि तुमने यदि स्पेस ले लिया ना तो मैं गिनती 1 से शुरू कर दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण पुनः। अब सीता जी बोली नहीं नहीं पाओ प्रेम से पाओ, मैं तो ऐसे पूछ रही थी गुरु जी, हमारे यहाँ आयुर्वेद में सिद्धांत है कि भोजन जब आधा हो जाए तो थोड़ा जलपान करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। भोजन से ठीक पहले पानी पिया जाता है वो अमृत का काम करता है, भोजन के बीच में जो पिया जाता है वो औषधि का काम करता है, और भोजनानंते भोजन के बाद में जो पिया जाता है वो विष का काम करता है। जय भोजन के ठीक बाद पानी नहीं पीना, उससे जठराग्नि शांत हो जाती है और अपच हो जाता है, भोजन पचता नहीं है, फिर पेट संबंधी कई बीमारियां उससे होती है। तो मैं तो पूछ रही थी आधा हो गया तो फिर बोले नहीं नहीं आधा हो गया तो मैं अपने आप बोल दूंगा आपको तो लाओ बस। मैं भी विचार किया 2 दिन हो गए अब तक आधा नहीं हुए। जानकी जी ने गणेश जी को निधि सिद्धि को अष्ट सिद्धि को नव निधि को बुलाया, बोले जल्दी भंडारे में बैठो सब खाली हो रहा है। अष्ट सिद्धि नव निधि बेटी है, गणेश जी रसोईया पद के बेटे है, फिर भी भोजन तो वैसे करना। तृतीय दिवस उदय हो गया महाराज, जानकी जी ला रही है, अब तो चेहरे पर उदासी आ गई है, जानकी जी थक गई। हे भगवान ऐसे पंडित जी कहां से ले आ गए, राम जी को बुलाया बोले इधर आओ, आधा भोजन की बात पर एक मुझे दृष्टांत याद आया। कोई पास में आसपास के दो गांव थे तो 2 बहनों की शादी हुई वहां पर, तो एक बहन के थोड़ा काम काज ज्यादा था घर पे और दूसरे जो है वो भी गांव के पास में थे। तो उस बहन ने अपनी बहन को फोन किया, बोले हमारे यहाँ थोड़ा काम ज्यादा है तो आप जीजा से कहो 2-4 दिन हमें भी थोड़ा खेती बाड़ी का है वो काम करवा देने। बोले ठीक है भेजती हूँ। अब वो जीजा जी जो आए थे ना वो थोड़े भोजन करने में ठीक ठाक थे, अब आए तो उस बहन ने मना करके भेजा, बोले आप जा रहे हो मेरी बहन के वहां सब पढ़े लिखे लोग हैं तो भोजन है ना 4 रोटी से ज्यादा मत खाना, कितनी भी भूख लगे लेकिन 4 फलके ही खाना, बाद में 5वां मत लेना नहीं तो वो लोग हंसेंगे क्या कहेंगे कि देखो देखो दिन भर खाते रहते हैं। तो ले हाँ ठीक है देवी। अब वो आया 2-4 दिन काम किया, अब आपको पता है धोखा थोड़ी रह जाता है। 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ मन में विचार किया क्या करूं। एक दिन भोजन बड़ी जोर की भूख लगी थी, 4 फलके ले लिए, पति की पत्नी की बात याद आई कि उसने मना किया है अब 5वां तो लेना नहीं है, तो लोटा जल का लेकर के पूरा जल पान कर गया। तो जो साली जी थी ना उसने कहा जीजा जी आपने काम गलत कर लिया। बोले कैसे, बोले आपने पानी पी लिया और हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि भोजनांते वारी विषम प्रथम भोजन के बाद का पानी तो जहर का काम करता है, यह आपके अपच हो जाएगा बहुत गड़बड़ होगा पेट में। तो बोले कब पीना चाहिए, बोले भोजन के बीच में पीना चाहिए। जीजा जी ने कहा तो अब क्या हो गया 4 और दे दो। बोलो जय श्री कृष्ण बीच में ले लेंगे, खुद तो लगी थी इसके बोले 4 और दे दो बीच में ले। राम जी को बुला के कक्ष में ले गई माता जानकी, राम जी से कहा आपको जरा भी शर्म नहीं आती, ऐसे पंडित जी पानी भी आपको। अरे महाराज भोजन होता है श्रद्धा से भावना से, इन पंडित जी ने तो श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी, ऐसे भोजन होता है। राम जी गए जाकर के अगस्त जी गुजारे क्या, बोले गुरु जी खड़े हो जाओ अब तो एकदम फूले। तब अगस्त जी उठे बोले हाँ ठीक है भाई जलपान की व्यवस्था करो। सीता जी ने कहा कितना लेकर के आओ महाराज, बोले भोजन वाले हिसाब से ले आओ। बोले महाराज नहीं हो सकती व्यवस्था। राम जी बोले प्रभु त्रेता ने भोजन कराया है द्वापर में आपको जलपान। अगस्त जी बोले क्या फर्क पड़ता है अपने जाएंगे अभी समाधि लगाएंगे आंख खुलेगी तब तक त्रेता द्वापर, और त्रेता में जाकर के समाधि लगाई और द्वापर में आज 7 दिन तक इंद्र ने जितनी बारिश बरसाई थी वो पूरा जल अगस्त जी बोली अगस्त महाराज सर विस्तृत कल चर्चा करेंगे और ठीक 3 बजे हरिचरणों में उपस्थित होकर के आप सभी लोग भगवान के गुणानुवाद गाएंगे हरे रामा हरे कृष्णा। सत्संग समिति की तरफ से इतना भाव मिला इतना प्रेम मिला इन लोगों का
और केवल ऑडियो सुन करके इन लोगों ने मुझे बुलाया, मिला नहीं हूं कभी भी इनसे, पहली बार जब आया तो अभी मिला, सिर्फ फोन पे बात हुई, इन्होंने कथा का ऑडियो सुना, बोले महाराज से हम आपके मुख से कथा सुनना चाहते हैं, वैसे तो हमने बहुत सुनी है मेमोरी से, पर आपके सम्मुख बैठ के मैंने कहा ठाकुर जी की इच्छा हो तो जरूर आपकी मनोइच्छा भी पूर्ण होगी, और बिल्कुल प्रभु की कृपा से आज ये सप्ताह है अनुष्ठान निर्विघ्न का पूर्ण संपन्न होने जा रहा है। श्रावण मास के पावन पर्व पर बहुत अच्छी श्रद्धा और भाव से इन लोगों ने यह अनुष्ठान करवाया है। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, गोविंद हमेशा इनके घर सुख शांति और समृद्धि की बरसात करे और करते रहे।
Thank you.
जगदीश्वर में नाना सुगंध पुष्पानि यतागालो भवानि पुष्पानि मयादत्तम् नहानं परमेश्वर नहानं जगदीश्वर महामंत्र विश्वादि समर्पयामि।